आज जोगी डी चौक में पहुंचा है और जोगी उनकी याद आया है कि पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की आन है आप, नायब कप्तान है आप, जनाब फैसल जावेद खान है आप। एक मिनट लेट के शुरू कर दिया प्रोग्राम। मैं क्या तेरा तोड़े आन तो पहले ही तारुफ हो जाना चाहिए। नायब कप्तान नहीं है, हालांकि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ओपनिंग बैट्समैन है। हाँ, और ऐसे बैट्समैन ने पहली गेंद ही छक्का ऐसा छक्का लगाया है कि खान साहब ऐसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान हो गए। मुझे आप बहुत खास चीज बना रहे हैं। मैं खास चीज नहीं हूँ। और खास चीज क्यों नहीं? कपड़े इमरान खान साहब वर्गी और पूरी पार्टी में ही है, बल्कि पूरे आप पाकिस्तान में, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानीज भी कप्तान चप्पल जो है उन ते सरकार मैं कहना पूरे पाकिस्तान दे मुंडे उन जींस दी पैंट पहन ते थल्ले नाल पेशावरी चप्पल नहीं ते कभी जॉगर पांदे हुंदे सर। अजकल लोग जेरे हरीम आ रहे नो कमेंट। आप ही कोई वीडियो दे ना मेरी यही है जो मार पवे क्योंकि हुकूमत जिहड़ी ऐसी नहीं हैगी, है कि नहीं? देख जरा हुकूमत ने जिहड़े धरने वाले आए ने उन्होंने भी आराम नाल इत्थों भेजे और बुल के चले गए ने, उठ के आप ही निकल गए ने, कहना भी नहीं पिया ता भी निकल गए ने। देख फिर जरा देखती आंख और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर डी चौक में सांप निकालने जा रहा है। वाहवा ये चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक छू चढ़ाक आ ये दागड़ दे दागड़ दे दागड़ धाकड़ दिन तकरिंग बोतला खरिंग बोतला सुचिंग बोतला आ ये कुल सुननी बिन भूत पात बिन तुरबत सुना रल मिक सब रहन गन बिछल जंपो ना तुम तड़क दिन झंडे शाबाई तुम तड़क दिन झंडे शादा तिरकड़ दादा तिरकड़ दादा तिरकड़ आ सब निकले नहीं। आहा एलो फिर पूरा सोशल मीडिया ही निकले। ये वो सोशल मीडिया है जिसके बारे में हां साहब ने कहा था कि ये हथियार है हमारा और आज वो हथियार इंजदा चले हैं कि पीटीआई हो रही। वाह वाह वाह, क्या कहते हैं सर सोशल मीडिया के बारे में? जितना तेज आप बोलते हैं आपने फखरे आलम को पीछे छोड़ दिया। फखरे आलम साहब भी अपनी अपनी तरह दे वाहिद बंदे हुए ने, यकीन करो ईमान ना। अच्छा, आज तो पूरी दुनिया बंदा फिर आया। मैं पंजाबी पश्तो हिंद को उर्दू और सिंधी थोड़ी बहुत सीख रहा हूँ और बाकी जुबान, क्योंकि मैंने 600 से ज़्यादा इमरान खान साहब के साथ जलसे किए हैं और हर जगह किए हैं, तो सारे इलाकों में जाने का हुआ है, तो बड़ा शौक पैदा होता है कि आप जुबानें सीखें। तो कुछ जुबानें आती हैं, कुछ सीख रहे हैं और कुछ और भी सीखेंगे। हाँ, किधरों ज़मीनी इलेक्शन भी लड़ना पड़ सकता है। अच्छा, रैपिड फायर शुरू करते हैं। ओए मजे मजे के क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये बताइएगा कि लास्ट टाइम पहले कौन सा आपने फिल्म या ड्रामा देखी है, उसके बाद रैपिड फायर शुरू करते हैं। हां, लास्ट टाइम कौन सी फिल्म या ड्रामा देखा आपने? फिल्म तो देखी है, पंजाब नहीं जाऊंगे। अच्छा हां, और ड्रामा देखा है मेरे पास तुम हो। मेरी गल हो रही है, अपने तो ना ले ले। और दोनों की वजह हुमायूं सईद है। मैं समझता हूँ हुमायूं सईद पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा एक्टर है। क्या बात, क्या बात। और एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने साबित किया है कि वो जो हमारे होते थे ना बड़े बड़े नाम, शफी मोहम्मद शाह, वो जो लेजेंड्स थे, हुमायूं सईद उस कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए उनकी वजह से मैं देखा है। और वो काम भी बहुत अच्छा करते हैं, वो अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर तो वो कमाल ही के हैं और उन्हें समझ है। तो यही आखिरी फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी देखी है पाकिस्तान की। और पंजाब नहीं जाऊंगी हुमायूं सईद साहब की वजह तो देखी है कि मैं वो यार नहीं हुमायूं की वजह से। अच्छा, मैं वो शुवारी तुसी अखा बंद कर लो। मैं वो शयात अरे इतना ना करो, बहुत कर दियो तारीफ हुन तुसा आप उन्हें ने तमगे भी दिते। नहीं, मैं वो शयात ने बहुत ही अच्छा काम किया है उस फिल्म में। पंजाब नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी असल देखने की वजह हुमायूं सईद थे। अच्छा जी, रैपिड फायर शुरू करते हैं जी। मरियम नवाज के बिलावल। म्यूजिक ब्रेक ना दे इस चीज के लिए। मरियम ओपोजिशन में कौन ज्यादा अच्छा है, मतलब भांडे तो मरियम नवाज कौन आपको काबिल लगता? मरियम नवाज के बिलावल भुट्टो।
ये आई थिंक दोनों एक ही तरह के, दोनों एक ही काम पे मामूर हैं, यानी दोनों दोवें नहीं कबूल। तीसरा ऑप्शन दे, तीसरा कोई नहीं, टिकटॉक या ट्विटर? टिकटॉक सर, टिकटॉक बिल्कुल भी नहीं। ट्विटर ऑफ कोर्स, ट्विटर। बचपन या जवानी? बचपन, बचपन के दिन तो कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए के जवानी जी भी तुम मजे ले ही रहे हो, केड़ी एडी गल वो है ना, मोहम्मद अली शाह की का मेरे बचपन के दिन, अफशा और मोहम्मद अली, बचपन की यादगार हो, मैं तुमको ढूंढती हूँ, किसी से भी आप ये सवाल करेंगे तो वो बचपन बचपन ही कहेगा। हाँ, बचपन का मजा होता है ना सर, बंदा जितने मर्जी खिलो के लॉलीपॉप है कि नहीं। फिल्म या ड्रामा? ड्रामा। चाय या कॉफी? चाय। कमीज सलवार या जींस शर्ट? सलवार कमीज। आए हाय। देसी खाना या वलायती? देसी। किताबें या महफिल? किताबें, अब रिसेंटली किताबों से ज्यादा मेरी दोस्ती हो गई है। हाँ, महफिलों में मुझे इतना नहीं, अदाब में महफिल भी अजब होते हैं यार, उठ के वो भी चला जिसका कोई घर ना था। शाम को कैशी या जहांगीर ट्रेन? फंस गए, ये तो आप इस पे टॉस कर लें। अच्छा जी, नईम बुखारी या इत्तेजाज अहसन? नईम बुखारी। महविश हयात या कतरीना कैफ? महविश हयात। सरफराज कप्तान या बाबर आजम? सरफराज। बाबर आजम को काट दीजिए फिर सर, बाबर आजम पे प्रेशर ना डालें ना, उसको अपनी गेम करने दें, उस पर अगर आप प्रेशर डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। अरे वाह, उसको करने दें। सरफराज ने T20 में बहुत अच्छी कप्तानी की है, T20 में सरफराज को कैप्टन होना चाहिए, वर्ल्ड कप वो आपको जिता के दे देगा। शीरी में सारी या फिर डोसा शिकवान? वाह 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 वाह, क्या कहने, मेरा हाल चाय पी लिए दोनों। देखिए दोनों में अपनी अपनी है, मैं तो दोनों के साथ जो है, शीरी मजारी तो हमारी पार्टी में काफ़ी अरसे से हैं, दोनों के साथ काफ़ी अब इंटरेक्शन है और काम भी किया, इस पे भी टॉस ही करना पड़ेगा। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जैसे आप जलसे में इमरान खान साहब को बुलाते हैं स्टेज पे, दावत देते हैं, प्लीज जरा एक बार साढ़े चैनल वास्ते जरा। अच्छा, इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म। ओहो, ओहो, ये मेरे साथ वो है डीजे, वो बैकग्राउंड में होता है ना। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, वजीर आजम इमरान खान है आप। बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। आए नहीं है। अच्छा वजीर इत्तला दोस्त आशिक अवान या फवाद चौधरी? अभी तो फिर दोस्त आशिक अवान है। बेस्ट कौन है, बेस्ट कौन है? जो होता है उस वक्त वही बेस्ट है, किसी मकसद किसी वजह से होता है ना, किसी मकसद। और बेहतरीन वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, क्योंकि वो उस वजारत पे हैं तो किसी वजह से है ना, दोनों जो अपनी अपनी जगहों पे हैं तो जब वो किसी वजह से हैं। सर बेहतरीन कायदे हिजबे इख्तलाफ खुर्शीद शाह के शहबाज शरीफ। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ, क्योंकि जो खुर्शीद शाह जब थे ना कायदे हिजबे इख्तलाफ, तो वो तो सारा वक्त फ्रेंडली ऑपोजिशन करते रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने तो ऑपोजिशन की नहीं, तो शहबाज शरीफ जो है वो लंदन जाके कह रहे हैं कि मैं फ्रेंडली नहीं हूं, उनको मौका मिला कि वो अच्छी ऑपोजिशन करें और मोस्ट वेलकम करें, जरूर करें। किथे करें सर, किथे करें, सड़क पे करें, पहाड़ों पे करें, के खंभे पे चढ़ के करें। अच्छा फैसल जी, आपने हमेशा प्योरली पीटीआई आप हैं, प्योरली पीटीआई में, और जो मेहमान आए हैं पीटीआई का असल चेहरा कहते हैं, पीटीआई का असल चेहरा आप हैं, पीटीआई का असल चेहरा आप हैं, और जो मेहमान पीटीआई में आए हैं, तो प्रोटोकॉल में फर्क है दोनों में? एक जो प्योरली पीटीआई से रहे हैं शुरू से पहले दिन से, और जो पीटीआई जेड़े प्योर पीटीआई है ना, वो समझदे ने कि चलो ठीक है चाय ते बिस्किट खा लेने, ते जेड़े मेहमान ने वो कहंदे ने बिरयानी किथे जे और ये भी है कि वो हमारे जाहिर आइडियोलॉजी पे नजरिए पे आए हैं, तो हम एक टीम है, चाहे वो पुराना हो, चाहे कोई 96 से हो, चाहे वो 2011 के पहले हो, 2011 के बाद हो, धरने से पहले हो, धरने के बाद हो, तो जैसे जैसे टीम में आते हैं तो वो टीम बनती जाती है, और फिर टीम इतनी बड़ी हो गई है अब, पहले तो पार्टी में कोई इस तरह से नहीं था, तो कोई अगर कोई छोटा सा भी किसी दूसरी पार्टी से हमारी पार्टी में आता था तो वो हमारे लिए बड़ी चीज होती थी, यानी कि टीम एडी बड़ी हो गई, जो 2020 शुरू हो रहा है, नाल एक पीटीआई दा भी 2020 करा लेंगे।
ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਇੰਜ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮ ਮਿਸ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਯਹੀਂ ਪੇ ਥਾ ਹਾਂ ਯਹੀਂ ਪੇ ਥੇ ਹਮ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਟਾਈਗਰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਲਕੇ ਜੇ ਟਾਈਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਰ ਬਾਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖੇ ਆਗੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਰਜ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋਸ਼ ਕਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈਏ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਰਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੋਗੀ ਕਾ ਕੁਛ ਐਸੇ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਜੋਗੀ ਤੋ ਮੁਝਸੇ ਬੜੇ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਯੇ ਏਕ ਤੋ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਹਾਈ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਸਿਖਾਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਾਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਜਬ ਹਮ ਬਾਹਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਵੋ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਰ ਯੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਨਕੀ ਵੀ ਔਰ ਆਪਕੀ ਵੀ ਔਰ ਯੇ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਿਰਫ ਮੁਝੇ ਵੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀ ਲਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀਕ ਚੌਕ ਚੇਂਜ ਖਲੋਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਧਰ ਖਲੋਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੰਦਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਲਗਤਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣਤਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਮੇਂ ਇਹ ਨਲਾਇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਲਾਇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਰੀਬ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਆਪਣਾ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਨਕੀ ਔਰ ਯੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮ ਕਰੀਬ ਹੈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਵੋ ਹੈ ਤੋ ਬਾਕੀ ਤੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਯੇ ਤੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਉਨਕੋ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਤਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਸਰ ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਪਾਕ ਟੀਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਇਸਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਔਰ ਜੋਗੀ ਬਾਬਾ ਕਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਸੋਇਆ ਕਰੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਉਠਾ ਕਰੇ ਔਰ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾਕ ਟੀਵੀ ਡੋਟ ਟੀਵੀ ਪੇ ਲੌਗ ਆਨ ਕਰੇ ਫੈਸਲ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਔਰ ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੇਖੋ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਮੁਝੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏ ਜੋਗੀ ਜੀ ਆਪ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇ ਚਟਬਨ ਚੌੜ ਚਮਨ ਚਟਬਨ ਤੁੰਦੜਾ ਜੋ ਜੜਾ ਕਾ ਦਾਗੜ ਦਾ ਦਾਗੜ ਦਾ ਦਾਗੜ ਦਾ ਦਾਗੜ ਦਿੰਤਾ ਆ